1960 और 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस लीना चंदरवरकर 73 साल की हो चुकी हैं। वे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतकर फिल्मों में आई थी। उन्होंने अपने जमाने के सुपरस्टार्स के साथ काम किया। मशहूर गाना जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, हाय रे हाय, ढल गया दिन, हो गई शाम, नींद नहीं आए, ये गाने उन्हीं पर फिल्माए गए और लोगों की जुबान पर आज भी हैं। फिल्मों में अदाकारी से नाम शोहरत कमाने वाली लीना की जिंदगी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। 25 साल की उम्र में लीना ने फिल्में छोड़कर शादी की। शादी के केवल 11 दिन के बाद ही एक हादसे में उनके पति को गोली लगी और वो विधवा हो गई। बता दें आपको कि फिर 20 साल उम्र से बड़े किशोर कुमार के साथ उन्होंने शादी की। पहले प्यार किया, फिर शादी के लिए पापड़ बेलने पड़े और फिर उनकी शादी हुई। 29 अगस्त 1950 को लीना का जन्म कुंकणी मराठी परिवार में धारवाड़ कर्नाटक में हुआ। उनके पिता श्रीनाथ चंद्रवरकर एक आर्मी ऑफिसर थे। लीना का झुकाव ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ होना शुरू हो गया। कई महीनों तक मॉडलिंग करने के बाद फिल्म फेयर द्वारा आयोजित किए जाने वाले फ्रेश फेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया और देश भर से आई कई लड़कियों में उन्होंने अपना दूसरा स्थान हासिल किया। जीतने के बाद उन्हें बहुत सारे मॉडल असाइनमेंट मिलने लगे। 18 साल की उम्र में उन्होंने कई कमर्शियल एड्स भी किए। बता दें आपको कि लीना ने सुनील दत्त की फिल्म मसीहा का ऑडिशन दिया। उन्हें पहली फिल्म मिल गई लेकिन फिल्म बन नहीं पाई। उसके बाद लीना को दूसरी फिल्म मन का मीत में काम मिला। ये सुनील दत्त ने ही दिया था। 1968 में रिलीज हुई इसी फिल्म से लीना रातों रात स्टार बन गई। 70 के दशक में हेमा मालिनी और मुमताज सबसे ज़्यादा मशहूर एक्ट्रेस थी। हालांकि चंद हिट फिल्मों के जरिए लीना ने टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में अपना नाम बना लिया। 1969 से 1979 तक 10 सालों में लीना ने उस जमाने के हर सुपरस्टार के साथ काम किया। राजेश खन्ना के साथ महबूब की मेहंदी, बैराग में दिलीप कुमार, हमजोली में जीतेंद्र के साथ और 25 साल की उम्र में उन्होंने पहली शादी की लेकिन 11 दिन बाद ही वे विधवा हो गईं। 25 साल की उम्र में उन्होंने सिद्धार्थ बंडोडकर से शादी की। सिद्धार्थ एक नामी पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुकत रखते थे। शादी के लिए उन्होंने फिल्में तक छोड़ दी लेकिन अचानक ही 11 दिन बाद घर के चिराग को गोली लग गई और लीना विधवा हो गई। जब लीना के पति की मौत हुई तब लीना सिर्फ 25 साल की थी। पति की मौत के बाद उन्हें कई बार आत्महत्या का भी ख्याल आया लेकिन फिल्मों में लौटना उन्होंने बेहतर समझा। फिल्मों में लौटकर उन्होंने दिलीप कुमार के साथ बैराग फिल्म की। हालांकि दिलीप कुमार की आखिरी फिल्म थी लेकिन ये फ्लॉप रही। उसके बाद उन्होंने यारों का यार, आखिरी गोली, नालायक जैसी फिल्मों में काम किया। किशोर कुमार ने शादी करने के लिए घर से बाहर धरना दिया। फिल्म प्यार अजनबी है में काम करते हुए किशोर कुमार को लीना पसंद आ गई। दोनों साथ में समय बिताते और लीना के घर वाले दोनों के रिश्ते से खुश नहीं थे। लीना से रिश्ते में आने से पहले ही किशोर 3 शादियां कर चुके थे। उनकी पहली पत्नी रूमा घोष से तलाक भी हो चुका था। दूसरी पत्नी मधुबाला का निधन हो चुका था। तीसरी पत्नी योगिता से भी तलाक हो चुका था। यही बड़ी वजह थी कि किशोरदा लीना से 20 साल बड़े भी थे। इसी वजह से परिवार वाले इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बड़े शादी के खिलाफ थे लेकिन रोज़ रोज़ वो धरना देने लगे और रोज़ रोज़ से गाते कि नफरत करने वालों के दिल में प्यार भर दूँ। लीना के पिता एक आर्मी ऑफिसर थे लेकिन किशोर के हरफन मौला किरदार के आगे उन्हें झुकना पड़ा और आखिरकार ये शादी हो गई। घर वालों की शादी करवाने से पहले ही ये दोनों शादी भी कर चुके थे और लीना 7 महीने की गर्भवती थी। बता दें कि शादी के चंद महीने बाद ही बेटे सुमित गांगुली का जन्म हुआ। किशोर कुमार से शादी करने, माँ बनने के तुरंत बाद लीना ने काम करना बंद कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म 1989 में ममता की छांव थी जिसमें वो राजेश खन्ना के साथ नजर आई। शादी के 7 महीने के बाद ही किशोर कुमार चल बसे। मौत से चंद मिनटों पहले किशोरदा पत्नी को मरने की एक्टिंग करके डरा रहे थे। 13 अक्टूबर का मनहूस दिन जब लीना उन्हें उठाने पहुंची तो किशोरदा बेसुध पड़े थे। फिर नजदीक गई तो देखा किशोरदा ने आंखें अचानक खोल दी और कहा, आज तुम डर गई, आज मेरी छुट्टी है। मौत के एक दिन पहले किशोरदा ने लीना से कहा था कि वो आज फिल्म रिवर ऑफ नो रिटर्न देखेंगे। उस दिन उनकी कई मीटिंग्स थी लेकिन कुछ मिनट बाद ही वो दूसरे कमरे में गए और गिर पड़े। जैसे ही लीना कमरे में पहुंची उन्होंने कहा कि मुझे कमजोरी लग रही है। जी हाँ, बता दें आपको कि उन्हें हार्ट अटैक आया लेकिन लीना को लगा कि वे मजाक कर रहे हैं लेकिन चंद सेकंड बाद ही उनकी धड़कनें रुक गईं। 37 साल की उम्र में लीना दोबारा विधवा हो गईं। किशोरदा की मौत के बाद लीना चंद्रवरकर अमित कुमार के साथ और उनके परिवार के साथ रहती हैं। वे आज भी उन्हीं के साथ रहती हैं। तो दोस्तों क्या कहेंगे, इस पर आप अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।